हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरी बाबू भी बहुत अच्छी है। तो आज ना मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ के साथ आई हूँ जो मुझे मिला है, मेरे हस्बैंड ने दिया है। अब वो ऐसा है कि अब मेरे 2 दिन पहले ही फ़ोन टूट गया था, मेरे फ़ोन की डिस्प्ले टूट गई थी। बाबू ने मेरे फ़ोन फेंक दिया, जिस कारण से मेरे फ़ोन की डिस्प्ले चली गई थी। फिर मैंने क्या किया कि दूसरी डिस्प्ले डलवाई, लेकिन फिर वो भी मेरी टूट गई डिस्प्ले, मतलब रखे ही रखे बेकार हो गया। फिर मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मैं सैड थी। 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि यार नया फ़ोन था चला गया, अभी नया ही लिया था तो वो भी चला गया, क्या करे क्या ना करे, फिर से मतलब नया लेना पड़ेगा क्योंकि बिना फ़ोन के तो कुछ भी नहीं चलेगा ना। तो फिर मैंने हस्बैंड से बात की कि मेरा फ़ोन टूट गया है, क्या करें क्या ना करें। तो उन्होंने मतलब पहले तो मुझे काफ़ी जो है कहा कि बहुत लापरवाह हो, और जो क्योंकि ऐसा है कि मैं सच में लापरवाह हूँ। जो जैसे फ़ोन का जो कवर होता है, अगर वो कवर फ़ोन में परमानेंट रहे तो ना, जो कवर होता है ना वो फ़ोन की सेफ्टी होती है। जो मैं अक्सर ही कवर निकाल दिया करती थी क्योंकि बाबू जब भी फ़ोन की ज़िद करती थी तो मैं उसको कवर निकाल के दे दिया करती थी और वो उसके साथ खेला करती थी। उसके बाद मैं दोबारा ध्यान से वो कवर फ़ोन में नहीं डालती थी, जिस कारण मेरा फ़ोन टूट गया है। मेरी मेरी ज़रा सी चूक से मेरा फ़ोन टूट गया। अब जब हमने इनसे बताया तो ये इसी बात से गुस्सा हो गया कि मतलब नाराज़गी दिखाई कि मतलब अगर फ़ोन में कवर होता तो शायद बच जाता, और तुम्हारी ज़रा सी लापरवाही से बता नुकसान हो गया। अब जो है इतनी लापरवाह हो तुम, अब नहीं लेंगे फ़ोन वोन। तो मैंने भी मतलब कहा कि चलो ले दो, अब की बार है, फिर देखते हैं आगे। लेकिन बोले कि ऐसे अगर तुरंत तुम्हें फ़ोन दिला देंगे तो तुम कैसे वो करोगी, तो कि तुम्हारी मतलब तुम लापरवाही के कारण तुम्हारा नुकसान हुआ है ये। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, जैसी आपकी इच्छा मत लीजिए। फिर तो अब यही था कि मैंने सोच लिया था कि अब तो फ़ोन मिलेगा नहीं, अब मुझे इसी टूटे फ़ोन के साथ, मतलब फ़िलहाल मैंने इसमें डिस्प्ले नहीं डलवाई है, लेकिन ऐसा है कि नई डिस्प्ले का फिर कहाँ उतना जो है मज़ा रहता है, थोड़ा कैमरा में डल हो जाता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, चलाते हैं तब तक, आगे का देखा जाएगा, जब कभी मन करेगा तो दिला देंगे। तो यही सोच लिया। अभी फ़िलहाल मेरी कल ही बात हुई थी इस टॉपिक पे कि फ़ोन नहीं लेना है नहीं लेना है, और तो मैंने भी सोच लिया मन में कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ले नहीं लेंगे कोई बात नहीं, नहीं लेना है। क्योंकि अभी कुछ देर अभी 1 हफ्ता पहले ही मतलब मेरे साथ काफ़ी कुछ हुआ, जो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, हॉस्पिटल के चक्कर में मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा, तो इस कारण ही वो थोड़ा दब रहे थे कि चलो कोई नहीं अभी नहीं लेंगे। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, मैं भी एग्री हो गई। लेकिन 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 सुबह ही मतलब एक बड़ा सरप्राइज के साथ मुझे ना ये फ़ोन ना मिला जो अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, शायद अभी 1 महीना हुआ हो, या मतलब मुझे क्लियर नहीं पता है, फिलहाल ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इसे लॉन्च हुए, Realme 12X। तो मुझे ना इस फ़ोन मतलब मुझे ये पता हुआ था कि लॉन्च हुआ है, अच्छा फ़ोन है, क्योंकि जो इसका Realme 11X था वो काफ़ी मतलब अच्छा फ़ोन था। तो उस बारे में मैंने सुना था कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है जो प्राइस के हिसाब से। तो फिर मुझे जब ये फ़ोन मिला तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई। पहले तो मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि कल तो कुछ और बोल रहे थे, आज ये कहाँ से। फिर मैंने सोचा कि फ़िलहाल तो मतलब ये फ़ोन मेरे एक जो है क्लासमेट है उसके उसी से मतलब भिजवाया है, भिजवाया क्या मतलब वो फ़ोन का ही काम करता, तो उनकी उनकी दोनों की आपस में बात हुई होगी, तो इसलिए फिर उन लोगों ने मतलब ये फ़ोन मतलब आया मेरे उसके थ्रू। तो मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि यार मतलब कि कल तो कुछ और बोल रहे हैं तो आज ही मेरे पास फ़ोन आ गया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ फ़ोन देख के, और मतलब ये मायने नहीं रखता है कि मतलब नया फ़ोन मिल गया उस कारण खुशी है, लेकिन बात ये है कि कल अभी मुझे डांटा जा रहा था, तो आज बिना बताए मतलब ये बिना कहे कि हाँ फ़ोन दिला देंगे या कल आ जाएगा या कुछ भी नहीं बताया, और अचानक से फ़ोन आ गया। तो मैंने सोचा यार कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं चल रहा है। फिर खैर
मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने बताया कि यार ये फ़ोन आया है, आपने भिजवाया है? तो बोले फ़ोन आया है, हमने कहा हाँ नवनीत दे के गया है। तो बोले कि पता नहीं, मुझे तो नहीं पता है। फिर मैंने बताया, पूछा यार सच बताओ क्या सच में आपने दिलाया है? तो बोले कि हाँ। तो मैं भी मतलब थोड़ा वो हुई, फिलहाल जो भी है मुझे फ़ोन मिल गया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि कैसा है ये फ़ोन, तो चलते हैं खोलते हैं। वाकई बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब अपनी खुशी मैं बता नहीं सकती। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, मतलब जितना ज़्यादा मैं अपने फ़ोन के टूटने के बाद दुखी थी उससे कहीं ज़्यादा मैं खुश हूँ जो मुझे इतनी जल्दी ये फ़ोन मिल गया। थैंक यू सो मच माय डियर हस्बैंड। फिलहाल तो मैं अभी तो मतलब इसको ओपन करना है, खोलना है, और मुझे इसमें जो है चार्जर भी रिसीव हुआ है, ये चार्जर है, और एक ये कवर भी मुझे रिसीव हुआ है इसमें, जो हर फोन मेरे मिलता है, और ये उसकी की है। तो अभी चलते हैं, मैं इसको ऑन करती हूँ, ऑन करके देखते हैं कि ये रहा फ़ोन जो मेरा अब ओपन हो चुका है, और मैं इसकी एक सेल्फी लेके दिखाती हूँ आपको। मतलब फ़ोन का तो बात ही अलग है। मुझे पसंद ये आया कि यार मतलब कि कल कुछ और कह रहे थे और आज अचानक से मुझे फ़ोन दिला दिए, तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे हस्बैंड ना किस्मत वालों को मिलते हैं जो मुझे मिले हैं। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा ही